स्पाइगोट को एडेप्टर के साथ मिलाइए बढ़िया से। रैम को घुमाया जा रहा है, स्पाइगोट के साथ सेट किया जाएगा। ये डेमो का एयर स्प्रिंग है, डेमो के एयर स्प्रिंग के लिए इंस्टॉलेशन हाइट 255 mm रखा जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन हाइट है, ये नीचे वाला प्लेट से नीचे से लेके इसका टॉप प्लेट के बीच में डेमो के लिए 255 mm रखा जाता है। डेमो के लिए 255 mm, जबकि LHB कोच के लिए 294 mm रखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये LHB का एयर स्प्रिंग है। इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका कैपेसिटी 160 किलोन्यूटन है और इंस्टॉलेशन हाइट 294 mm। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को टॉप प्लेट बोलते हैं, इसके नीचे वाला उसको बेस प्लेट बोला जाता है, और बेस प्लेट के ऊपर एक इमरजेंसी रबर स्प्रिंग लगाया रहता है। और उसके बाद इस पार्ट को हम लोग एयर बैलोज या रबर बैलोज बोला जाता है इसको। जनरली LHB कोचेज में 120 किलोन्यूटन, 140 किलोन्यूटन और 107 किलोन्यूटन का एयर स्प्रिंग लगाया जाता है, जबकि डेमो में 180 किलोन्यूटन का डेमो 180 किलोन्यूटन का एयर स्प्रिंग लगाया जाता है। पहले लाल रंग का एयर स्प्रिंग आता था, जिसका टॉप प्लेट अब लाल रंग रहता था, लेकिन आजकल ये ब्लू कलर का आने लगा है, जो 107 किलोन्यूटन का है। ये यूनिफाइड है, ये किसी भी गाड़ी में लग जाएगा, AC गाड़ी हो या नॉन AC LHB गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी में इसको लगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये टेस्ट बेंच पर डेमो का एयर स्प्रिंग रखा हुआ है, उसका इंस्टॉलेशन हाइट 255 से 260 mm रखा जाएगा, जबकि LHB का स्प्रिंग होने से 294 mm रखा जाता है। 294 प्लस 0 माइनस 5 mm तक उसका एक्सेप्टेबल हाइट है, इंस्टॉलेशन हाइट है। और जब ICF बोगी के लिए आएगा तो वो 250 से 255 mm तक रखा जाएगा इंस्टॉलेशन हाइट। जबकि ये डेमो का एयर स्प्रिंग टेस्ट किया जा रहा है, इसमें हम 6 kg का एयर, 6 kg पर सेम स्क्वायर एयर प्रेशर इसमें भरेंगे, और 6 kg भरने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर हम गेज प्रेशर से देखेंगे कि 6 kg प्रेशर आफ्टर 15 मिनट कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि एयर स्प्रिंग लीकेज नहीं है। इसके बाद फिर इसमें हम 9 kg का एयर प्रेशर डालेंगे, और 9 kg एयर प्रेशर डालने के बाद इसको 1 घंटा के लिए वाल्व बंद कर दिया जाएगा। और 1 घंटा के बाद जब हम इसका एयर प्रेशर चेक करेंगे, गेज प्रेशर इंडिकेटर में देखेंगे, तो अगर ये 9 kg से 1% का टॉलरेंस दिया गया है, मतलब 9 kg का 1% मीन्स 0.09 kg पर सेम स्क्वायर, मतलब कि आप देखें तो 9 kg माइनस 0.09 kg पर सेम स्क्वायर करिएगा तो आपको 8.91 kg पर सेम स्क्वायर रहेगा। नहीं, 1 घंटा के बाद 8.91 kg पर सेम स्क्वायर अगर रहता है तो इसका मतलब है एयर स्प्रिंग में लीकेज नहीं है और ये गाड़ी में यूज करने लायक है। इसी प्रकार के 6 kg का टेस्ट भी इसी प्रकार के करते हैं। 6 kg प्रेशर देने के बाद आफ्टर 15 मिनट के बाद चेक किया जाता है, उसमें भी 1% का टॉलरेंस दिया जाता है। तो 1% मीन 6 kg का 1% 0.06 kg पर सेम स्क्वायर माइनस करके देखिए, 6 kg माइनस 0.06 kg मीन्स 5.94 kg पर सेम स्क्वायर आफ्टर 15 मिनट के बाद अगर रहता है तो इसे ये पता चलता है कि एयर स्प्रिंग में लीकेज नहीं है। फिर ये फर्दर इसको आगे साफ करके पेंट करने के बाद गाड़ी में लगाया जाता है। अगर इसमें कुछ लीकेज रहता है तो इसके रेक्टिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर किसी केस में गाड़ी में लगने के बाद एयर बैलोज में लीकेज रहता है तो भी हम इसमें एक इमरजेंसी रबर स्प्रिंग रहता है हमारे बेस प्लेट के ऊपर में लगा हुआ, तो 60 किलोमीटर पर आवर से हम नेक्स्ट किसी कोचिंग डिपो में ले जाकर इसको रेक्टिफिकेशन करते हैं और दूसरा एयर बैलोज या एयर स्प्रिंग लगा दिया जाता है। या फिर 60 किलोमीटर पर आवर से 1000 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है इन द इमरजेंसी केस, अगर कभी लीकेज हुआ एयर स्प्रिंग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 kg प्रेशर देने के बाद उसका वाल्व बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 kg पर सेम स्क्वायर प्रेशर दे के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है। आफ्टर 15 मिनट के बाद गॉज प्रेशर में इंडिकेट देखा जाएगा कि अगर 6 kg तक ही रहता है, 1% का टॉलरेंस तक ये एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होने से इसको लीकी माना जाएगा। अगर 1% मतलब 6 kg का 1% आपको पहले भी बता चुके वीडियो में, 5.94 kg तक अलाव है, वहाँ तक रहने तक ये एयर स्प्रिंग यूज करने लायक रहता है, इसको हम बोगी में लगा सकते हैं।
इसी प्रकार से 9 केजी का भी टेस्टिंग किया जाता है एक घंटा के लिए, 9 केजी पर सीमेंट स्क्वायर प्रेशर देकर एक घंटा तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे 6 केजी पर सीमेंट स्क्वायर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, आफ्टर 15 मिनट के बाद फिर देखा जाएगा। इस तरह से हमारे एयर टेस्टिंग का प्रोसीड्योर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।